हेलो फ्रेंड्स, जिम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगते तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि है प्रस्तावना कौशल, यानी कि हम सूक्ष्म शिक्षण की सीरीज का अगला वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। अभी तक हम इसके 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, उसका विशेषता और सोपान वगैरह के अलग अलग वीडियो बनाए हैं। यदि अभी आपने अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे खोलिए, देखिए, वहाँ से आगे की थ्योरी कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहला कौशल, हम उस विभिन्न सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला कौशल है जो प्रस्तावना कौशल है। आगे हम अन्य कौशल के भी अलग अलग वीडियो लेके आएंगे और उसके जो सूक्ष्म लेसन प्लान बनता है 10 मिनट का, वो भी अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। आपको मैं इसमें सिखाऊंगी कि आपको प्रस्तावना कैसे बनानी है। यदि आप मेरा वीडियो देख के प्रस्तावना बनाना सीखते हैं और आप स्वयं प्रस्तावना बना पाते हैं तो मुझे फेसबुक पेज पर अपनी बनाई हुई प्रस्तावना की फ़ोटो भेजिएगा। मुझे देखकर अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा सिखाए हुए से आपने सीखा। चलिए शुरू करते हैं इस पर चर्चा करना। मैं आपको थ्योरी थोड़ा सा थ्योरिकल, जब आप फाइल बना रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की, आपको फाइल बनानी होती है। यदि जब आप फाइल बना रहे हैं तो आपको थ्योरिकल भी लिखना होगा उसमें, तब आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। और मैं इसी को पढ़ के आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ इंट्रोडक्शन या परिचय से ही स्पष्ट होता है, यानी कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है प्रस्तावना, यानी कि किसी भी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए सबसे पहले उस विषय के प्रति रुचि या जानकारी होना आवश्यक होती है। प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, वह सरल होना चाहिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब हम पूर्व ज्ञान वाला पॉइंट मैं आपको लेसन प्लान में एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि पूर्व ज्ञान का पाठ योजना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूर्व ज्ञान पर ही आधारित हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं और यही हमको आगे पाठ से जोड़ते हैं। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, प्रस्तावना छात्रों के ज्ञान पर आधारित व सरल होनी चाहिए, यानी कि उनके जो प्रीवियस नॉलेज है उसी पर आधारित होना चाहिए प्रस्तावना, और सरल होनी चाहिए। प्रस्तावना कक्षा कक्ष में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करता है, जिससे छात्र में किसी विशेष कार्य के लिए तैयारी की भावना जागृत होती है। यानी कि हम उनको जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे जोड़ने का कार्य हम प्रस्तावना द्वारा करते हैं, यानी हम एक एटमॉस्फियर बना रहे हैं उनके लिए कि अब आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना है, तो उसके लिए हम एक भूमिका बनाने, एक वातावरण बना रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर किसी भी क्रिया या कार्य का अंत तभी सुंदर हो और संतोषजनक होता है जब उसकी शुरुआत सुंदर हो और प्रभावशाली हो। यानी कि हम जब कोई कार्य करते हैं, यदि उसका शुरुआत ही अच्छी होती है तो पूरे कार्य को हम शुरू में ही मान लेते हैं कि वो अच्छा होगा। इसी तरह जब पाठ्य योजना में आपकी प्रस्तावना अच्छी होती है तो आपका जो पर्यवेक्षक होता है उसको भी, तभी आपके आगे की पाठ्य योजना के बारे में भी पूरा अंदाज़ा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना देखकर। इसलिए आपकी प्रस्तावना बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। प्रस्तावना के माध्यम से ही छात्र का ध्यान का विकेंद्रीकरण व उत्साहवर्धन किया जाता है। प्रस्तावना का प्रयोग छात्रों के साथ साथ अध्ययन में भी उत्साह को संचार करता है। यह पूर्व ज्ञान के अर्थ से तात्पर्य है जो छात्रों को आसपास के वातावरण से प्राप्त हो चुका है। यानी पूर्व ज्ञान से यहाँ पे यह आश्रय है कि जो वो पहले से या तो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हों, या वो घर से वो नॉलेज लेके आए हों, दोस्तों से लाए हों, कक्षा में ही सीखा हो उनने, कुछ भी जो भी उन्हें पहले से आता है वो पूर्व ज्ञान है। फिर मनोवैज्ञानिक कारण, यदि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो नवीन अध्याय छात्रों के लिए अधिक व सरल रुचिकर हो जाता है। यानी कि यदि हम उनको प्रीवियस नॉलेज से उनके नए नॉलेज को जोड़ देते हैं तो एक तो उनको नए नॉलेज, जो भी हम नया पार्ट पढ़ाने वाले हैं उसके प्रति जो डर रहता है वो समाप्त हो जाता है। उनको लगता है हमें जो आता है हम उसी को आगे करने वाले हैं। फिर प्रस्तावना का निर्माण, यानी प्रस्तावना कैसे कैसे बनानी चाहिए, ये तो हो गया था छोटा सा इंट्रो उसका कि क्या होता है और क्या है, अब हमको कैसे निर्माण करना है। तो प्रस्तावना का निर्माण
निम्न प्रकार से होता है, उदाहरण देकर। आप उदाहरण देकर उनसे प्रश्न कर सकते हैं उनके प्रीवियस नॉलेज पर। प्रश्न पूछकर हमारी अधिकतर पाठ की प्रस्तावना प्रश्न पूछकर ही होती है। व्याख्या करके कोई भी चीज को लेकर हम उसकी व्याख्या करके भी प्रस्तावना तक पहुंच सकते हैं। यानी कि उसमें हमें बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम व्याख्या करेंगे और अपने टॉपिक तक पहुंचाएंगे। चित्रण करके, कहानी सुनाकर, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके, जैसे हम चार्ट वाट दिखा सकते हैं, ऑडियो विजुअल कुछ सुनाकर उनको, और प्रयोग करके यानी उन्हीं से एक्टिविटी करा के। ये सब हो गया प्रस्तावना निर्माण के तरीके, हम किस किस तरीके से प्रस्तावना बना सकते हैं। आपकी को यदि इन सब में से कुछ आइडिया आता है तो प्लीज़ हमें प्रस्तावना बनाकर हमारे फेसबुक पेज पे जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके नाम के साथ अगला वीडियो आप ही की प्रस्तावना और हमारे द्वारा बनाई हुई और टॉपिक पे प्रस्तावना के साथ लेकर आएंगे। फिर प्रस्तावना का प्रयोग क्यों, यानी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम प्रस्तावना का प्रयोग क्यों करते हैं। छात्रों का ध्यान केंद्रीकरण की आखिरकार उसे सीखना क्या है, यानी कि हमें उसका ध्यान केंद्रीकृत करना है, उसको ध्यान को कि वो अब आगे उसको सीखना क्या है, इसके लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। पाठ के पूर्व ज्ञान या दौरान प्रसंग में ढांचा तैयार करने के लिए, किसी नए विचार या सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, छात्रों में रुचि व सहभागिता की भावना को जागृत करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम प्रस्तावना का प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रस्तावना का प्रयोग कब, पाठ के प्रारंभ में, यानी हम सबसे पहले प्रस्तावना ही बनाते हैं, प्रकरण में, परिवर्तन में, प्रश्न उत्तर सत्र के पूर्व, तर्क वितर्क के पूर्व, रेडियो फिल्म रेडियो कार्यक्रम के पूर्व, आकाशवाणी, ये सब में हम प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। फिर प्रस्तावना कौशल के लिए सुझाव, सर्वप्रथम शिक्षक को छात्रों या निरीक्षण कर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे तैयार हो सके। यानी हम कक्षा में जाते से सीधे प्रश्न नहीं पूछने लगेंगे, पहले हम एटमॉस्फेयर बनाएंगे। जैसे कि हम अपनी क्लास में जाते हैं तो हम गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करते हैं, और कैसा, यदि कल हॉलीडे था तो हम उनसे पूछते हैं कैसा रहा, आपने क्या किया, इस तरीके से थोड़ी सी उनसे फैमिलियर बात करनी है आपको, उनसे थोड़ा सा घूम कर देखना है बैठ पा रहे हैं कि नहीं ठीक से, इस तरीके से थोड़ा सा माहौल तैयार करना है और उसके बाद प्रश्न करना है। फिर उन्हीं माध्यमों का चयन करना चाहिए जो छात्रों को सही संरचना प्रदान कर सके। यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम कोई भी टफ चीज़ उठा लें और उसको दिखाकर उन्हें पूछ लें या कुछ, हमको सरल तरीके से सरल माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। फिर प्रस्तावना प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। जैसे हमारी प्रस्तावना होती है, हमने कोई प्रश्न पूछा, जो आंसर आता है हम उसी से दूसरा प्रश्न बनाते हैं, यानी उसमें श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। उचित स्थानों का प्रयोग करें जो पाठ उद्देश्यों के अनुरूप हो, उन्हीं उचित साधनों का, मतलब वही साधनों का उपयोग करें जो पाठ के अनुरूप हो। जैसे मान लीजिए हम फूलों की संरचना पढ़ा रहे हैं साइंस में, तो हम उन्हीं साधनों का प्रयोग करें जो फूलों की संरचना से रिलेटेड हो, ना कि हम उनको जड़ के बारे में बताने लगें, पहले बहुत सारा टाइम हम जड़ के बारे में चर्चा करने पे निकाल दें, नहीं। जो भी साधनों का हमको प्रयोग करना है वो हमारे पाठ का उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तावना ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए और ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। प्रस्तावना ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 प्रश्नों तक खत्म हो जानी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 ही प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न तो प्रस्तावना में होने ही चाहिए। फिर प्रस्तावना कौशल के घटक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रैक्टिस करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की फाइल बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना बनाते हैं, इसमें कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध हो, ये घटक होते हैं। यानी हमने जो प्रश्न पूछा वो उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड था या नहीं। कथनों व प्रश्नों का पाठ तथा उसके उद्देश्यों का संबंध, प्रश्नों एवं विचारों एवं कथनों की श्रृंखलाबद्धता, यानी उनमें श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। कथनों एवं प्रश्नों की पाठ उद्देश्यों के अनुपयुक्तता, पाठ के अनुरूप युक्तियों का प्रयोग, छात्र स्तर के अनुरूप युक्तियों का चयन। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम परसेंटेज 6th में पढ़ा रहे हैं तो हम 10th के लेवल का करें।
प्रस्तावना की अवधि यानी प्रस्तावना 5 से 7 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जानी चाहिए। प्रस्ताव अध्यापक के में उत्साह एवं सजगता, यानी कि ऐसा नहीं कि आया मुँह लटका कर टीचर खड़ा हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया और प्रस्तावना खत्म। उत्साह होना चाहिए, उसकी वाणी में उत्साह झलकना चाहिए। छात्रों की अभिप्रेरित करने की क्षमता, यानी हमको विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, उनको मोटिवेट करना है आंसर देने के लिए भी, आगे पाठ जो हम सीखेंगे सिखाने वाले हैं उसके लिए भी। छात्र का ध्यान, रुचि एवं आकर्षण, यानी उनका प्रेजेंटेशन टीचर का ऐसा होना चाहिए कि छात्र या विद्यार्थियों का ध्यान वो अपनी ओर केंद्रित कर सके। जो शिक्षक अपने बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाता है, जो भी विषय पढ़ाता है, उसमें रुचि उत्पन्न कर सके और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी वो ये सारे कार्य कर पाएगा। फिर हमारा आखिरी पॉइंट है जो प्रस्तावना का, वो ये है कि प्रस्तावना बनाने में सावधानी, यानी जब हम प्रस्तावना बना रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रस्तावना के समय छात्रों को समझ के समक्ष उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो छात्रों का ध्यान मूल पाठ या पाठ के उद्देश्य की ओर आकर्षित कर सके। यानी कि हमें वो सब नहीं पूछना है या वो सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो हमारे पाठ से रिलेटेड नहीं है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से आप यदि मेरे वीडियोस को इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। प्रस्तावना में पाठ के उद्देश्य के अनुरूप ही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तावना से संबंधित कथन श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रश्नों में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक प्रश्न छोड़ दिया, उसका आंसर हो गया, फिर हम अगली नई चीज पूछ रहे हैं, नहीं, उनका रिलेशन होना चाहिए। प्रस्तावना पथावर्थ होनी चाहिए, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। प्रस्तावना में अनुप्रयुक्त वर्णन नहीं होना चाहिए, यानी व्याख्या नहीं होनी चाहिए प्रस्तावना में ज्यादा, यानी व्याख्या से मतलब हम व्याख्या करके प्रस्तावना निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक प्रश्न में उसका आंसर बहुत सारा व्याख्या से आ रहा है, फिर हम उसको व्याख्या कर रहे हैं, इस तरीके से प्रस्तावना नहीं होनी चाहिए। ये थे प्रस्तावना कौशल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, यहाँ पे ये सब समाप्त होते हैं। हम अगले पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल पर कुछ सूक्ष्म पाठ्य योजना लेकर आएंगे, और मैं आपको यहाँ पे टॉपिक देती हूँ, यदि आप बना पाएँ तो कमेंट करें और हमें मैसेज करके अपनी प्रस्तावना भेजें। यदि हमें आपकी प्रस्तावना सही लगी तो हम अपनी प्रस्तावना के साथ आपकी प्रस्तावना भी आप ही की हैंडराइटिंग में अपने नए वीडियो के साथ लेकर आएंगे। जैसे मैं आपको टॉपिक देती हूँ, 1 भारत के राज्य और मौलिक अधिकार, इन तीनों में से आप जिसकी भी चाहें प्रस्तावना बनाएं और हमें हमारे फेसबुक पेज पे भेजें। यदि हमें आपके द्वारा बनाई हुई प्रस्तावना सही लगी तो हम कुछ लोगों की प्रस्तावना अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आपके समक्ष और उन्हें आपके नाम के साथ ही प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किया है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे को फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर आप हमें अपनी बनाई हुई प्रस्तावना की पिक भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।